हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास एंड्रॉइड के स्मार्टफोन है, जैसे कि शॉमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, पोको एवं दोस्तों बात करेंगे गूगल पिक्सल जैसे एंड्रॉइड के स्मार्टफोन आप में से काफी सारे लोगों के पास है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके लिए काफी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज निकल के आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों फाइनली गूगल की तरफ से आपको एक लेटेस्ट गूगल डायलर पैड मिल जाता है। मतलब दोस्तों गूगल डायलर पैड का एक लेटेस्ट अपडेट यार काफी सारी दिनों के बाद आपके फोन में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको लेटेस्ट यूजर इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है, काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप अपने फोन में इस वाला गूगल डायलर को इनेबल कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोगों ने यार लेटेस्ट स्मार्टफोन को परचेस किया है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, चाहे वो ओप्पो का हो, वीवो का हो, रियलमी, शॉमी, उसके बाद दोस्तों पोको का भी डिवाइस हो। सो आप सभी को पता है कि लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको गूगल का डायलर पैड मिल जाता है। बट दोस्तों, आप में से यार काफी सारे लोग नाराज थे, क्योंकि यार गूगल डायलर पैड में ज्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं मिलते हैं, ज्यादा कुछ बेटर यूजर इंटरफेस भी देखने को नहीं मिलते, एवं दोस्तों बात करेंगे आपको फीचर्स भी यार काफी सारे कम देखने को मिल जाते हैं। बट दोस्तों, गूगल की तरफ से यार काफी शानदार अपडेट आपको गूगल डायलर में देखने को मिल जाता है, जो कि सभी यूजर्स के लिए देखेंगे आपको प्ले स्टोर के जरिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे क्या कुछ आपको चेंजेस मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे रिसेंट पैनल के बारे में। सो रिसेंट पैनल में आपको जो गूगल ड्यू का आइकॉन है, मतलब कि वीडियो कॉलिंग जो आइकॉन है, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो कि पहले अपडेट में आपको थोड़ा सा टिपिकल टाइप का देखने को मिलता था। इसके बाद दोस्तों कीपैड के बारे में बात करेंगे। सो कीपैड भी कम्प्लीटली चेंजेस हो चुका है, एंड्रॉइड 12 जैसा आपको यहाँ पे मटेरियल यू टाइप का आपको यहाँ पे कीपैड देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कॉलिंग इंटरफेस के बारे में, वो भी यार कम्प्लीटली चेंजेस हो चुका है। जब आप कॉल करेंगे या फिर कॉल रिसीव करेंगे तो आपको इस टाइप का लेटेस्ट न्यू यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो कॉलिंग न्यू यूएमए देखेंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कीपैड का। एंड कीपैड का जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एंड्रॉइड 12 जैसा मटेरियल यू टाइप का आपको यूआई देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों म्यूट का बटन है, उसका देखेंगे स्पीकर का बटन है, उसके बाद आपको 3 डॉट मिल जाता है। एंड उसी 3 डॉट में देखेंगे अगर आपको होल्ड कर रहे हैं होल्ड कर सकते हैं, उसके आगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाता है। एंड दोस्तों मैंने कॉल रिकॉर्डिंग को भी यहाँ पर टेस्ट किया, तो कॉल रिकॉर्डिंग होने से पहले एक अनाउंसमेंट जरूर होती है, उसके आगे दोस्तों अगर आपको कॉल को ऐड कर रहे हैं तो कॉल को ऐड भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों डायलर पैड में आपको यहाँ पे फ्लोटिंग बबल का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो अगर आपको यहाँ पे कोई भी अनदर वर्क करना है, सो जो भी इनकमिंग कॉल से या फिर डायलिंग कॉल से, तो उसको यहाँ पे फ्लोटिंग बबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे ओल्ड यूआई के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको न्यू अपडेट के बाद काफी बेटर यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है, वो भी लेटेस्ट न्यू फीचर्स के साथ। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो भी आपको इनकमिंग कॉल्स वगैरह आता है, सो इनकमिंग कॉल्स का जो यूजर इंटरफेस है वो भी आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है। मतलब कि पूरे के पूरे फोन के स्क्रीन पे आपको इनकमिंग कॉल का जो स्क्रीन है वो देखने को नहीं मिलेगा, ऊपर ही देखेंगे आपको नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर के साइड में इनकमिंग कॉल्स के आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, ये गूगल का डायलर पैड आप अपने फोन में कैसे इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे पोको X4 प्रो का डिवाइस है, जो कि लेटेस्ट न्यू फोन है। एंड इसी लेटेस्ट न्यू फोन में आपको गूगल का ही डायलर पैड मिल जाता है। तो सिंपल आपको जाना है प्ले स्टोर में, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करना है गूगल डायलर। सो गूगल डायलर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फोन डायलर देखने को मिल जाएगा, जो कि गूगल का ही है। एंड आपको यहाँ पे बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। सो नीचे के साइड में जाने के बाद आपको किसी भी ईमेल आईडी से इनका जो बीटा प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना है। एंड बीटा ज्वाइन करने से पहले कोई अपडेट आता है तो उसको भी अपडेट कीजिए, एंड बीटा ज्वाइन करने के बाद भी एक अपडेट आता है तो उसको भी इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने भी 2 अपडेट को इंस्टॉल किया है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बीटा प्रोग्राम का अपडेट है उसको इंस्टॉल किया है। एंड अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार अपने फोन को रिबूट जरूर करना है। एंड डिवाइस को रिबूट करने के बाद आपको थोड़ा टाइम रुकना है, क्योंकि यार थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे गूगल के जो सर्वर है, सर्वर से आपका जो गूगल डायलर थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने में। सो फ्रेंड्स, इस मेथड से आप अपने फोन में लेटेस्ट गूगल डायलर को इनेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।